Hello everyone, myself Ashish Verma and I am from CSE department. Now take an example of another thing, that is to control. या फिर मैं कहूँ कि मुझे क्या चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है प्रोग्राम का, और वह प्रोग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर का आपकी रिक्वायरमेंट कंडीशंस मैं बता देता हूँ. मुझे एक 4 डिजिट का नंबर लेना है और उसको रिवर्स करना है, बट कंडीशन ये है, ना तो कोई आपको एक्स्ट्रा हेडर फाइल यूज़ करनी है, ना कोई आपको लूप यूज़ करना है, आपको सिंपल फॉर्मेट के अंदर उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर मुझे देना है. तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए, हमने सबसे पहले अपना प्रोग्राम को इनिशियलाइज़ किया विद द हेल्प ऑफ क्लास. मैंने रिवर्स, चलिए हमने यहाँ पर एक क्लास REV के नाम से बना दी, इंटीजर नंबर लिया, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वेरिएबल्स ले लिए. हो सकता है कुछ ज़्यादा हो सकता है कुछ कम हो. अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर आए, मुझे यहाँ पर नंबर नाम का एक फंक्शन चाहिए, वाइट. मैं यहाँ पर प्रोसेस करूँगा और यहाँ पर उसका रिजल्ट को शो करूँगा. ये मेरी क्लास बंद हो गई. सबसे पहले आपने क्या किया, मेरी जो क्लास थी रिवर्स थी, उसको हमने लिंक किया अपने नंबर नाम के फंक्शन के साथ, सी आउट किया, यहाँ पर लिखा एंटर एनी 4 डिजिट नंबर. कोई भी आपने 4 डिजिट नंबर लिया, सी इन किया ए के अंदर, मुझे सिर्फ ए की वैल्यूज़ को करना था तो मैं ए ही लेके चलूँगा. यहाँ पर आपने यूज़ किया रिवर्स के अंदर, प्रोसेस लिया हमने, यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए पहले बी इज इक्वल टू ए मॉड ऑफ कहाँ गया 10 किया, मुझे मॉडुलस निकालना है यहाँ पर. देन मुझे उसका फिर क्वोशेंट निकालना है. वेन एवर यू डू दिस स्टेप बी रिमेंबर, इस चीज़ को आपको ध्यान में देके चलना है कि वेन एवर यू फाइंड आउट और कैलकुलेट द मॉडुलस, इट सेव्ड इट इनटू द न्यू वेरिएबल, बट वेन एवर यू कैलकुलेट द क्वोशेंट तो उसको उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है जिसके अंदर आपने इनपुट करी थी, क्योंकि मुझे बार बार नंबर्स को रिप्लेस करना है, न्यू लेके चलना है. यहाँ पर आपने ये लिया a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 10, d इज इक्वल टू a मॉड ऑफ 10, a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 4 नंबर है, 4 स्टेप्स. देखिए ये पहला स्टेप, ये दूसरा, अब मैं तीसरा लेके चलूँगा a. यहाँ पर आपने ये लिया a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 10, ये मेरा फंक्शन बंद हो गया. अब मुझे क्या चाहिए, अब इस यहाँ पर बंद तो हुआ लेकिन आगे मुझे क्या करना है. मैंने f लिया b mod, b को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, c इंटू 100, अरे 100 प्लस d इंटू 10 प्लस e इंटू 1. देखिए यहाँ पर हमें ऐसा क्यों किया, देखिए हमें पहला नंबर 1000 के सीरीज़ में था, क्योंकि मुझे जो 4 डिजिट नंबर आपको पता है कि 1000 से लेके 9999 में होता है, यानी कि शुरुआत 1000 से है. तो 1000 के बाद हमने हर जब भी नेक्स्ट नंबर लेंगे एक एक ज़ीरो आप हटाते चलिए, पहले 1000 फिर 100 फिर 10 और फिर 1. अब मुझे इस चीज़ को प्रिंट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आए, आपने अपना वाइड लिया, रिवर्स किया, और मुझे क्या करना था, शो करना था. शो करने के लिए आपने क्या किया, सी आउट किया, न्यू लाइन में रिवर्स ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू, किस में था आपका, एफ में था, बंद किया. अब आप यहां पर देंगे अपना मेन, आपने कॉल किया मेन को,
राइट। रिवर्स का ऑब्जेक्ट मैंने टी बना दिया। टी सबसे पहले आपको स्क्रीन क्लियर करनी है तो आप कर सकते हैं। टी के थ्रू आपने यहाँ पर नंबर लिए थे, टी के थ्रू आपने प्रोसेस किया, टी के थ्रू ही आपने उस चीज़ को शो किया, यहाँ पर गेट सी एच और बंद किया। देखिए बंद करने के बाद आप अपने एफ तक ले गए थे, ऊपर चेक कर लेते हैं, हमारे पास एफ तक ही हैं, कंट्रोल एफ नाइन। इस जगह के ऊपर ऊपर आपने एक नंबर लिया है, नंबर्स लिए हैं, मुझे ये भी ध्यान नहीं था। हमने ऊपर नंबर लिया है, स्क्रीन क्लियर कर दी, रिवर्स ले लिया। सॉरी, हमारे पास जो एरर है ये आपके पास नहीं कर रहा, अनडिफाइंड सिंबल आर, आर तो है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे पास तो टी था। देखिए एक एरर की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे पास क्या से, अब यहाँ पर रिवर्स के अंदर आपका नंबर लेके चल रहा है, नंबर लेके चल रहा है, आखिर हम इस, अब देखिए वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है कि आपके पास रिवर्स। कई बार क्या होता है कि मेरे पास, मैं आप एक चीज़ और दिखाता हूँ जो मैंने छोटी सी मिस्टेक की आपके लिए, वो शॉर्ट आउट मैं इसमें करूँगा। इस जगह के ऊपर हमने जो कंडीशन लेके चले, प्रॉब्लम क्या आई कि हमने हर चीज़ कर दी। अब छोटी सी मिस्टेक आप ये देखिए कि इस जगह के ऊपर क्या था आपका पब्लिक, आपने मुझे इंडिकेशन नहीं किया, एक राहुल नाम के स्टूडेंट ने साथ साथ मुझे यहाँ पर इंडिकेट किया। सो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम हियर नाउ, आप चेक कीजिए आपके प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है, कंट्रोल एफ नाइन। आपने फोर डिजिट नंबर 5432, कंट्रोल एफ नाइन। आपने देखिए मैं प्रोग्राम के अंदर सिली सी मिस्टेक्स इसीलिए करता हूँ ताकि आप उसको ऑब्जर्व करें और मुझे यहाँ पर इंडिकेट करें। मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर मेरे साथ वर्क कर रहा है। तो सिंपली सेज बी अटेंटिव, ओके, इफ यू हैव एन डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज टेल मी सो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। अगर आपका कोई ऐसे डाउट है कि प्रोग्राम किस तरह से बनेगा तो आप वो भी उस चीज़ के, मुझे उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, मैं उस प्रोग्राम को आपको सॉर्ट आउट करने का इजी से इजी मेथड आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।